तो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले 100 डेज इस वन ब्लॉक पे, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और इसी वन ब्लॉक पे आज हम हार्डकोर मोड में पूरे गेम को बीट करेंगे। तो पहले दिन हमें फर्स्ट वाले ब्लॉक को बहुत ज्यादा ध्यान से तोड़ना था, क्योंकि अगर हम लोग ने थोड़ी सी मिस्टेक की तो हम नीचे गिर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्लॉक मिल चुका था, अब वो वाले ब्लॉक को आगे लगा के हम लोग को धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करना था। जैसे जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड करते जा रहे थे, हमारे पास और भी जानवर आते जा रहे थे। इतने सारे जानवर कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए हम लोग ने फेंसिंग की, क्योंकि उन लोग हमें भी धक्का दे रहे थे नीचे, और हम थे हार्डकोर में। ब्लॉक को तोड़ते ही तोड़ते हमारा डे टू चालू हो चुका था, और अभी हमारा यहाँ पर स्टोन वाला बायोम भी आ चुका था, तो अब हमें स्टोन की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हमें आयरन के ओर भी मिल रहे थे, जिससे हम लोग आयरन के टूल्स बना सके और आयरन की चीजें। लेकिन एक मिनट, ये आयरन को मैं वुडन पिकैक्स से क्यों माइन कर रहा हूँ? जितनी भी थोड़ी बहुत सैपलिंग हमें चेस्ट के अंदर मिली थी, उसे हम लोग यहाँ पर उगा रहे थे। भाई मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये पेड़ इतने जल्दी जल्दी कैसे उग रहे? एक तो शीप और ब्लॉक, वो हमारे वन ब्लॉक की सबसे आखिरी शीप थी। खैर, किसी ने कुछ नहीं देखा। उसके बाद हम दोनों ने सोचा कि भाई बहुत हो गई माइनिंग, अब करेंगे बेस को एक्सटेंड। तो चलो, अभी आयरन भी मिल गया, आयरन को अब टाइम था हम लोग अपने बेस को थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करके पेड़ों को उगाना शुरू करें। हमने आइलैंड पेड़ उगाने के लिए बनाया था, लेकिन वहां पर तो भाई मॉब्स स्पॉन हो रहे थे। बट कोई नहीं, हमारे पेड़ भी एक साथ अच्छे से उग रहे थे, और हमारी पूरी की पूरी वुड की नीट एक ही बार में पूरी हो गई। अभी हमारे पास स्टोन ज्यादा नहीं था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि जितनी ज्यादा वुड को ग्राइंड कर सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग जितने भी बिल्ड बनाने वाले हैं पूरे के पूरे वुड से बनाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर चेस्ट रखा और जितनी भी वुड थी उस पर स्टोर कर दिया। अभी लकड़ियों की नीट तो पूरी हो चुकी है, सबसे पहले एक आइलैंड बनाते हैं, और उस पर जो हमें एक वाटर बकेट मिली है ना, वो वाटर बकेट को डाल के वहां पर थोड़ी बहुत फार्मिंग करेंगे, तो हमको खाने पीने का हो जाएगा। अब तक एक एक जानवर की बलि चढ़ती रहेगी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट वाटर बकेट का सोर्स बना सकते थे, बट अभी कोई जरूरत नहीं है। जब ये वाले फार्म को मैं एक्सटेंड करूंगा, तब मैं यहाँ पर इनफाइनाइट वाटर बकेट का सोर्स बना दूंगा। अरे भाई, क्या झोला सर्वर का, इतने जल्दी जल्दी क्यों उग रही सब चीजें? खैर, हमारा फायदा ही है इस पे। अरे भाई, क्या दिक्कत है तुम लोग को? यहाँ पर क्या भंडारा चल रहा है? निकल यहाँ से, मकड़ी कही। ओ शिट भाई, मैं नीचे गिरते गिरते बचा हार्डकोर में, लिटरली मैं मर जाता नीचे जाके, और ये एंड यही हो जाता। अब आएगा ना मजा, अब करेंगे ना एक्सटेंड अपनी खेती बाड़ी को। खेती आग वॉट बुझा, अबे पूरा जल जाएगा। कहाँ लगी? अभी यहाँ बुझ गया अपने आप ही। अरे की बारिश, हमारे लकड़ी के आइलैंड के ऊपर आग लग गई थी। अगर वो स्प्रेड होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। पम्पकिन, ओ पम्पकिन, ओ वाटरमेलन, सब उग जाएंगे जल्दी। कुछ आया गाय, रुक, मेरे पे वीट है। अब गाय ने आके वीट की डिमांड कर ही दी थी, और हमारे पास जगह कम थी, तो हमने गाय लोग के लिए भी अलग प्लेटफॉर्म बना दिया, और उस पर हम लोग 6 अलग अलग मॉब्स को रख सकते थे। ऑल्सो हमें इस वन ब्लॉक का सबसे पहला डायमंड मिला था, तो भाई साहब इसको रखने में अलग ही वाइब आ रही थी। माइन करते करते मुझे सबसे रेयर चीज मिली, ये देखो भाई कौन से कलर का एक्सोलोटल है, और फाइनली ये मेरा हुआ। अरे मैंने कल पूरी वुड देख, मैं पूरी वुड को वहां पर ना मैंने स्टोर कर दिया, अब यहाँ पर एक भी वुड नहीं मिलेगी। वुड लेने यहाँ मत आना, मैंने कल रात में ही कर दिया उसको शॉर्ट। यही पर लकड़ियां हमारी, पूरी लकड़ियां वहीं पर है, एक आध दो। हाँ थोड़ी, अरे धीरे धीरे खाने की और कमी होने लगी थी, इसलिए मैंने फार्म को और एक्सटेंड कर दिया। अभी टाइम था कि हम अपना खुद का घर बनाए, तो बनाते फिर। बहुत तगड़ा भाई, अरे वो थी ना बोट, थी ना बोट, बोट रख देते हैं, बोट में बैठ जाएगा। चलो हमारी नई जर्नी पे विलेजर। ये अरे क्रीपर, क्रीपर क्यों? अरे भाई मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, खेलना ही नहीं है माइनक्राफ्ट। पुराने वाले ब्रिज की स्टाइल बहुत ज्यादा गंदी थी, इसलिए हम लोग ने अपना कस्टम ब्रिज बनाया, जो कि काफी मस्त दिख रहा था। अभी जो हमने बनाया था वो एक स्टोरेज रूम था, और हमारे रहने के लिए था, लेकिन विलेजर लोग के लिए भी तो बनाना पड़ता ना, तो उसके लिए भी काम चालू करते हैं। मेरा माइनक्राफ्ट बिल्ड्स का सेंस एकदम जीरो है भाई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता कहां पर क्या लगाना चाहिए। बाय द वे, यहां पर ये ट्रैप डोर्स अच्छे लग रहे हैं। ये चीज को रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन हम लोग ने पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बना लिया है। ए कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरे पास बहुत सारे आयरन थे। अभी हमारे पास इनफ विलेजर आ चुके, तो मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पर ये फार्म को और एक्सटेंड कर देते, ताकि हम लोग विलेजर लोग से ट्रेड कर सके एमरल्ड की, ये सब बेच के।
भाई साहब इतना बड़ा तो फार्म बना लिया हम लोग ने कि विलेजर को अच्छे से लूट सके, और तीनों फ्लोर में हम लोग ने क्रॉप्स की फार्मिंग की है, और भाई लिटरली बहुत मजा आने वाला है। मतलब विलेजर को लूट डालेंगे जब तक वो ट्रेड खत्म नहीं करते। अब जब तक वो क्रॉप्स बड़े हो रहे तो एक काम करते हैं ना कि एनिमल जहां पर हमारे रहते थे ना उसको भी थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे हमारा आइलैंड। अरे भाई क्या दिक्कत है तुम लोग की, अंदर क्यों नहीं आ रही तुम लोग? भैंस की एक तो खाना दे रहा हूँ इन लोग को, तब भी इन लोग को दरवाजे पे अटकना है। भाई क्या दिक्कत है इन लोग की? उसकी कुछ भी दिक्कत हो, लेकिन अगर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके #OP1Block लिख दो। ऑल्सो अच्छा कंटेंट पाने के लिए हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई एंशियंट डेब्रिस, भाई मैं आ रहा हूँ डायमंड की सॉर्ड बना, वो डायमंड क्यूब बना के। भाई हमारे वर्ल्ड का पहला नेदरराइट मिला है हम लोग को। ओके ये टूट गया है। ओ भाई एडवांसमेंट मिल गई, मेरे को भी चाहिए। अभी तक हम लोग नेदर में भी नहीं गए और हमारे पास ऑब्सीडियन भी आ रहे, तो एक काम करते हैं ये ऑब्सीडियन को कलेक्ट करते हैं और एक नेदर पोर्टल बना के नेदर में जाते हैं। तो फाइनली हम लोग नेदर में आ चुके हैं और अभी हम लोग को सबसे पहले नेदरराइट ढूंढना है ताकि हम लोग नेदरराइट आर्मर में कवर हो सके। वेट वहां पर फोर्ट्रेस है, वेट यहां पर इतने पास हमें फोर्ट्रेस मिल गई है, मतलब वो इतनी पास है कि वो रेंडर तक हुई मेरे कैमरे में। उसके बाद हम ओवरवर्ल्ड में वापस आ गए और अभी हम लोग को बनाना था एक मॉब फार्म जिससे हम लोग को एक्सपी मिले भर भर के और बहुत सारी चीजें। हम लोग ने मॉब फार्म में जितनी भी चीज लगती वो सभी चीज बनाया और उसके बाद मॉब फार्म बनाना चालू कर दिया। अरे भाई पहले गांव तो बस जान दो फिर आ जाना, और जहां पर आना चाहिए वहां तो आ नहीं रहे और नीचे आ रहे भाई, दूसरी जगह आ रहे हैं। अभी हम लोग नेदर वाली जगह है ना उसको भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते ताकि दोनों चीज अच्छी लगे देखने में, क्योंकि सब चीज इतना ज्यादा डेकोरेटेड और नेदर भाई ऐसा पड़ा हुआ है, तो बनाते हैं उसको भी। हम लोग डीप डार्क वाले में यूजुअली माइन कर रहे थे और हमारे सामने वार्डन आ गया। हम लोग लिटरली आयरन के आर्मर में थे और हमारी स्वॉर्ड है ना वो तक डायमंड की नहीं थी, बट फिर भी हम लोग ने वार्डन को मार दिया। कैसे? देखो वार्डन इतना ज्यादा बेवकूफ है कि वो दो लोग के बीच में इतना गंदा कंफ्यूज आता है कि वो दो लोग में से एक के ऊपर हमला ही नहीं करता, एक के ऊपर अगर वो हमला कर रहा है तो दूसरे के ऊपर नहीं करने वाला। इसी चीज का फायदा मैंने उठाया और मैं ऊपर चढ़ गया और मैंने ऊपर से वार करना चालू कर दिया। जब तक वो उसके ऊपर हमला कर रहा था मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया, खत्म भाई वार्डन नाम की चीज ही खत्म भाई। सब मैंने उसको आयरन स्वॉर्ड से मार दिया लिटरली, वो पहचान तक नहीं पाएगी मैं कहां से आया। अच्छा चलता हूं। अरे तू जा रही है? हमें सबसे पहले अपने आर्मर्स बनाने के सारे हो चुके हैं, तो अपने पूरे टूल्स बनाते हैं, पूरे आर्मर बनाते हैं। okay. उसके बाद बहुत सारे मॉब्स को मार के उनको एन्चेंट करते हैं, क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल हम बना सकते हैं। ठीक है चले। अच्छा चल आजा। जितने भी डायमंड इधर उधर पड़े मैं निकाल लेता हूँ, मेरे पे 13 डायमंड है। ठीक है 43 है मेरे पास। अरे भैया अभी क्या करना है मेरे को, इतने मेरे पास सिर्फ 6 है, तो मेरे हम बना लेंगे दोनों के लिए आर्मर वगैरह। ओए कवर मी इन डायमंड्स, लेट्स गो। ओके फुल डायमंड का आर्मर, लेट्स गो। अब हमें इसे एन्चेंट करना है। हाँ इसको एन्चेंट करेंगे, तू करके बहुत काम आएंगे भाई वो। फार्म पूरा और क्या। ओ ये काम। अब हमें देखो बहुत सारे एमरल्ड चाहिए थे और वो एमरल्ड को हम लोग यूज करने वाले बुक खरीदने में, और भाई ऐसे थोड़े बहुत एमरल्ड तो मिलने नहीं वाले, इसलिए मैंने शुगर केन उगा दिए बहुत सारे जिससे हम लोग पेपर बेच के बहुत सारे एमरल्ड ले सके। भाई साहब अनलिमिटेड एमरल्ड होने वाले हैं अभी, भाई इतने सारे पेपर बेचूंगा ना विलेजर लोग को कि विलेजर भी बोलेगा बस अब मैं नहीं ले सकता। एंटेड आर्मर में आ गया ये, लेकिन वो बात अलग है, मेरी पूरी एक्सपी खत्म हो गई। कोई बात, अभी क्या लगाना है, मेंडिंग लगानी थी ना थोड़ी सी। मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर एक एमरल्ड का बीकन बनाना चाहिए पूरा, एंड मैं एमरल्ड का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक ऐसी चीज एमरल्ड ही है, मतलब हमारे पास आयरन भी नहीं है लेकिन एमरल्ड ऐसी चीज है जिसको मैं अनलिमिटेड निकाल सकता हूँ। वो कैसे? वो देखो वहां पर एक फार्म दिख रहा है तुम लोग को शुगर किन का, मैं वहां से पेपर बेचूंगा एंड पेपर को बेच बेच के मैं इतने सारे एमरल्ड लूंगा और यहाँ पर कहीं पर एक बीकन बनाएंगे फुल एमरल्ड का। तो चलो इस चीज में लग जाते हैं और क्या। अभी मेरे पास इतने सारे शुगर केन हो गए हैं, बस थोड़े से और चाहिए, एंड ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा बार करना है, मतलब कि एक बार नहीं 10 से भी ज्यादा बार करना है, क्योंकि तुमको पता है ना कि एक एक एमरल्ड कितना ज्यादा मुश्किल से बनता है। मैं एक एक ब्लॉक ऑफ एमरल्ड की बात कर रहा हूँ, और बीकन बनाने के लिए कितने ब्लॉक ऑफ एमरल्ड लगेंगे ये सोचो। 3 दिन बाद ओके, तो 3 दिन से मैं शुगर केन ही तोड़ रहा हूँ और 3 दिन से लगातार मैं शुगर केन तोड़ रहा था, मतलब माइनक्राफ्ट के 3 दिन, रियल के नहीं। अभी मैं पूरे पेपर बेच देता हूँ और उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैंने कितने एमरल्ड को कलेक्ट किया है। ओके सो वेट इज ओवर, ये देखो मेरे पास कितने सारे एमरल्ड है और ये पूरे के पूरे मैंने सिर्फ शुगर केन बेच के लिए हैं। अभी इसी एमरल्ड का हम लोग बीकन बनाएंगे और बीकन के लिए लगता है नेदर स्टार, इसलिए हमको विदर को भी मारना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें नेदर राइट का आर्मर चाहिए। मिल गया। ओ भाई शस्त्र, ओके
नेदर राइट का शस्त्र अभी भी दो नेदर राइट। ओके भाई साहब कवर मीन डेफरीज वाला आ गया, बच गया ना। अभी फाइनली हमें अपने तीन सबसे बड़े काम करने हैं। सबसे पहले हमें एक महल बनाना है, उसके बाद हमें एंडर ड्रैगन को मारना है, और उसके बाद हमें विदर को मारना है। देखो आखिरी की दो चीजें तो आसान है, लेकिन सामने वाली चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि मेरे को बिल्ड बनाते आते नहीं है। तो हम लोग ने सोचा कि काम को डिवाइड कर देते हैं, ये पूरे बिल्ड बनाएगी और मैं पूरे का पूरा रिसोर्सेस लेके आऊंगा। हाँ मुझे पता है कि इतना बड़ा महल वो अकेले नहीं बना सकती, लेकिन कोई नहीं, मैं भी इसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगा। पहले जितना भी बड़ा महल था हम लोग कॉबल स्टोन से बनाने वाले थे, और स्टोन से बनाने वाले थे जो कि हमें ओवरवर्ल्ड में मिलते हैं, लेकिन हम लोग नेदर में भटक रहे थे और हमें देखो क्या मिला। यहाँ हम लोग को बेस्टियन रेमिनेंट मिला था, और यहाँ के ब्लैक स्टोन देखने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग अब महल इसी से बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग ने और भी बेस्टियन रेमिनेंट ढूंढे जहाँ से हम लोग और भी ब्लैक स्टोन इकट्ठा कर सके। हमने जो महल का डिजाइन सोचा था उसके कारण हमें नेदर पोर्टल को भी उड़ाना पड़ा और साइड वाले मॉब फार्म को भी, लेकिन कोई नहीं, उसे हम बाद में बना लेंगे। अभी तुम लोग के सामने आने वाली सबसे मास्टरपीस चीज 15 सेकंड के अंदर, ऑब्वियसली हम लोग पूरा नहीं दिखा सकते, सो लेट्स गो। जिस किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग करना क्या चाह रहे, तो ये हम लोग एक लेआउट बना रहे हैं और इसी के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होंगी। तो अभी हमारा महल बन चुका है, और हम लोग ने साइड में नेदर पोर्टल भी बना दिया जैसा हमारा पहले बना था, और ये चीज अभी ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी हम लोग को एंडर ड्रैगन को भी मारना है, ऑब्वियसली हम लोग एंड में जाएंगे तो वहीं पर विदर को भी मार के आएंगे, इसलिए हम लोग को विदर के हेड चाहिए 3 और सोल सैंड। उसके बाद हम लोग नेदर फोर्ट्रेस में आ गए, और यहाँ पर हम लोग ने विदर स्केलेटन के बहुत सारे स्कल कलेक्ट किए और साथ ही बहुत सारी ब्लेज रॉड। मॉन्स्टर पार्टी आई, अब एक चेस्ट आएगी और फिर उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। नीचे क्यों नहीं गिर जाती तुम लोग है? लड़की है क्या वो? हो सकते हैं। ए एंडर, आई ऑफेंडर ड्रैगन। आओ आओ आओ। ओ शिट शिट शिट। ओ भाई साहब द एंड इज नियर। कितने सारे एंड में आओ रुकी को तो नहीं गिर रही हूं। हां हां नहीं गिरूंगा नहीं गिरूंगा। अच्छा आया फेंडर लाना, ये सिर्फ अभी आ सकते हम। अबे एक मिनट, जा सकते वे जा सकते, रुक ऐसे देख, ऐसे देख, अभी रुक जा इसको तोड़, साइड से रुक जा, मैं यहां से एक स्टे। ओ मार के आ जाए क्या एंडर ड्रैगन को? मन कर रहा है, मेरा भी मन कर रहा है। वो जैसे पहले देख ले कौन सी बायो आने वाली है, बस फिर देखते हैं। एंडर ड्रैगन को मारना इज नॉट अ बिग डील। चल आ सामान लेते हैं, आ जा जब तक। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं एंड में और हमारा गेम खत्म होने वाला था, तो तैयार है? यस 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 आई एम आल्सो। अभी कौन कौन से फर्जी ब्लॉग साले, कौन कौन से फर्जी था? 1 2 3 दी एंड, लेट्स गो। नहीं 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 एंडर ड्रैगन, अब किससे पावर ले रहा है? गया है तू ही, कहाँ चला गया भाई, डर गया क्या? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। मुंडी मार, मुंडी मुंडी में, मुंडी वाले से उड़ा देता है। मैं गलत जगह टीपी हो गया, चलो कोई नहीं, बहुत कम हेल्थ है उसकी। मुंडी पे लेकिन बहुत डैमेज जाता है, मैंने उसको अभी तक जितनी बार मुंडी मारा बहुत डैमेज गया उसको, और तलवार तो है ही अपनी ओपी। भाई आजा, एक्सपी नहीं मिली ना, एक्सपी नहीं मिली, ज्यादा एक्सपी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला एक्सपी के नाम पे, एक एक्सपी मिली बस, 65 थी, 65 ही मिली मेरे को। रुक जा ये, रुक जा रुक जा रुक जा रुक। हाँ टावर छे तेरे पे? हाँ नहीं लाइन,
ये है, तू कर ले, तू निकाल ले, तू निकाल, ये ले 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 अचीवमेंट ले, अचीवमेंट ले। ओके ओके ड्रैगन ओ चल, अब इसके नीचे यहाँ पर माइन करते विदर को मारते। ओके चलो तिरछा लगा तिरछा ताकि हाँ एक ही से होता ना। ओ नहीं तीन से, अच्छा हाँ ये, अरे नहीं मतलब ये हाँ आजा आजा आजा। ओके फटेगा, फटेगा जम के फटेगा, पीछे हो जा। ओके ऊपर चला गया वो, ऊपर चला गया वो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, इजी टास्क है वो। ओ मिल्क लाया हम, क्या नहीं लाए मिल्क, इजी टास्क है, रुक जा। अच्छा कर 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 अटैक कर अटैक कर अटैक कर करना करना अटैक, डर लगता है इससे, मेरे को नहीं लगता एक बूंद डर इससे, मैं नीचे ही खड़ा हूँ देख इसके नूब, इतने वो फेंक रहे एक हार्ट कम नहीं कर सका मेरे, क्या विदर बनेगा रे तू। अभी ये वो बन जाएगा क्या, हाँ अभी वो फेंकेगा वो अपने, वो फेंक अभी भी तो फेंक रहा है, कुछ नहीं हो रहा, इजी खत्म, कुछ हो क्यों नहीं रहा, खत्म खत्म, पर इसकी वजह से हमें कुछ हो क्यों नहीं कुछ, अरे भाई कुछ है ही नहीं वो, क्या बता रहा हूँ मैं, पीसफुल कर खाएंगे तो नहीं गेम मोड, नहीं हार्ड है हार्ड है हार्ड है, स्टार कहाँ है, ये है मेरे पे, ये ले तोड़ने पर लगाना पड़ेगा, तब थोड़े बड़े लेवल का होगा, तीन लेवल पे चालू हो चुका है। ओके okay. नहीं अभी भी दो गई है, अभी भी दो हाँ, लास्ट नहीं हुआ ना, इतनी तो है बस। इसी के साथ हमारे 100 डेज कंप्लीट होते हैं, हम लोग ने पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट कर लिया, लेकिन तुम लोग का एक टास्क है, तुम लोग को इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिन्हें ये टाइप की वीडियो देखना पसंद है। ऑब्वियसली अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम लोग इसका 200 डेज भी जरूर बनाएंगे। विद डैट मैं मिलूंगा तुम लोग से अनदर धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।